हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। 1750 रुपये की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर हैं, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज है। तो ये कह रहा है साधारण ब्याज बराबर है। SI1 इक्वल टू SI2 दोनों साधारण ब्याज बराबर कर दिए। तो SI इक्वल टू क्या होता है? P1 R1 बाई 100 इक्वल टू SI2 का लिखेंगे, सब में 2 लिखेंगे, P2 R2 T2 बाई 100। यहाँ पे देखिए बराबर है दोनों ना, तो बाई 100 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हम मिटा सकते हैं 100 और 100। तो यहाँ पे देखिए P1 की वैल्यू तो हमको नहीं पता है, तो P1 तो हम ऐसे ही लिखेंगे इनटू R1 की वैल्यू दी गई है 8%। T1 कह रहा है वार्षिक, तो T1 के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे इक्वल टू P2 नहीं पता है इंटू R2 की वैल्यू दिया है 6%, तो 6 लिखेंगे P2 की वैल्यू 1 है, तो 1। यहाँ पे देखिए 2 चौक 8 2 3 6, तो P1 रेशियो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है 1750 की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। 1750 दोनों भाग का दिया गया है और यहाँ पे कितना आ रहा है दोनों भाग का? 7 आ रहा है, दोनों भागों की राशि 7 आ रही है। और वो कितना दिए हैं? 1750 दिए हैं, तो 7 में हम कितने से गुणा करा दें कि 1750 आ जाए? नहीं पता है, तो हम 7 से भाग देंगे, तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35। तो 250 से 7 में हम गुणा करा देंगे तो 1750 मिल जाएगी। तो 250 से इसमें भी गुणा कराएंगे और इसमें भी गुणा कराएंगे, तो 250 से 3 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 275 आ जाएगा, 25 × 75 750 रुपया आएगा पहले भाग का। तो पहले भाग पर कितना प्रतिशत ब्याज है? 8% ब्याज है, तो इंटू 8/100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 25 × 100, 25 × 75, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 30 × 2 में कराएंगे तो 60 रुपया आएगा। तो कह रहा है ये प्रत्येक भाग पर ब्याज, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना आएगा? 60 रुपया आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1550 रुपये की धन राशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% की साधारण ब्याज की दर से दिया है, 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताएं। दोनों का अनुपात बताना है इसमें। तो पहला दर जो दिया गया है, पहला रेट 5% है, 5% और दूसरा 8% है। फिर ये कह रहा है 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, 300 रुपया ब्याज दिया है और मूलधन कितना दिया है? 1550 रुपया दिया है, 1550 इंटू यहाँ से हम आर निकालेंगे। समय कितना दिया है? समय दिया है 3 वर्ष, 3 लिखेंगे बाई 100। तो ये होता है SI = PRT/100। तो SI दिया है 300, P 1550 दिया है, R यहाँ से निकालेंगे और टाइम दिया है 3 वर्ष बाई 100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5 और 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो R इक्वल टू
200, 100 का गुणा 2 में कराएंगे तो 200 आएगा। 200 बटे 31 प्रतिशत, आर की वैल्यू कितनी आई 200 बटे 31। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 200 बटे 31, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 200 बटे 31 रेशियो, और ये होगा 200 बटे 31 माइनस 5 होगा, माइनस 5। तो यहाँ पे हम बटे 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24 माइनस 200 बटे 31 रेशियो 200 माइनस 5 × 5 = 15 बटे 31। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बटे 31 है, यहाँ भी बटे 31 है, तो यहाँ से 31 और 31 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल कर दिए। तो हम 248 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, 48। और 200 में से 155 घटाएंगे तो 45 आएगा, 45। तो 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15। तो दोनों का रेशियो आ गया 16 और 15 का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 500 रुपए की धन राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष 5% की साधारण ब्याज दर पर उधार देता है, उसे 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपया मिलता है, उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि का अनुपात बताएं। तो ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे इसको लगाए हैं। तो ये कह रहा है कुछ भाग 4% तथा 5% दर पर, 4% और 5% की दर। फिर कह रहा है उसे 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपया मिलता है। ब्याज, ब्याज कितना दिया है, 440 दिया है। ब्याज है, मूलधन कितना दिया है, 5000 दिया है, 5000 गुणे आर और टी। समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 22 आ गया। तो आर इक्वल टू 22 में हम 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 4.4%। तो आर की वैल्यू कितनी आई, 4.4%। तो यहाँ पे हम रखेंगे प्रतिशत, माइनस करेंगे 5 में से 4.4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा, 0.6 रेशियो, और 4.4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.4 आएगा, 0.4। तो यहाँ पे देखिए, एक अंक बाद यहाँ पे पॉइंट है और एक अंक बाद यहाँ भी पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो 3:2 कितने का रेशियो आया, 3 और 2 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, वार्षिक ब्याज दर है, तो इसमें दर बताना है। तो देखते हैं, मूलधन, मूलधन हम 100 मानते हैं, कितना मानेंगे, 100 मानेंगे, मूलधन 100 मानेंगे, रेशियो ब्याज, ब्याज क्या होता है, आरटी होता है, आर टी होता है, रेशियो। अब देखिए इसमें कह रहा है 4 वर्षों का साधारण ब्याज, समय कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है, तो 4 लिखेंगे और आर तो हमको निकालनी ही है, तो आर को हम ऐसे ही लिखेंगे इनटू आर। फिर यहाँ पे क्या होता है, मिश्रधन होता है, मिश्रधन रेशियो। तो ये कह रहा है साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, उस राशि का 1/5 है, तो 5 क्या है, मूलधन है, मूलधन हमेशा ज़्यादा ही तो होता है, तो
तो ये मूलधन के नीचे लिखेंगे। 5 रेशियो और 1 क्या है, ब्याज है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, बटे में करेंगे, यहाँ से रेशियो हटाएंगे, यहाँ से भी रेशियो हटाएंगे, इक्वल टू, तो ये होगा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो R इक्वल टू 5%। दर कितनी आई, 5% आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगा। तो देखते हैं, कह रहा है 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568। 7 वर्षों में कितनी राशि, 568 हो जाएगी कह रहा है ना, तो ये क्या होगा, मिश्रधन होगा। फिर कह रहा है 5 वर्षों में 520 रुपया, 5 वर्षों में 520 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे, 7 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा, 2 वर्षों का ब्याज आएगा, जब हम घटाएंगे तो ब्याज ही तो आएगा, और यहाँ भी हम माइनस करेंगे तो ये 8 × 4 = 48 आएगा, 2 वर्षों का ब्याज 48 रुपया है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज 2 × 4 = 2 × 8 = 24 रुपया होगा। फिर 5 वर्षों का ब्याज निकालेंगे, 5 वर्षों का ब्याज, जब 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपया है तो 5 वर्षों का कितना होगा, 24 से गुणा कराएंगे 5 में, 24 × 5, तो 5 × 4 = 20, 2 × 5 = 10 = 12, तो 5 वर्षों का ब्याज कितना आया, 120 रुपया आया। और वो कह रहा है धनराशि बताइए, हमको मूलधन निकालना है, तो 5 वर्षों का मिश्र धन ये है, मिश्र धन में से हम ब्याज घटाएंगे तो धनराशि ही तो आएगी, तो 520 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 400 रुपया आएगा, ये 400 क्या आ गया, मूलधन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, यदि 4 वर्षों बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 है तो दूसरी धनराशि बताइए। तो दूसरी धनराशि बताना है, दूसरी धनराशि, तो ये कह रहा है कुल ब्याज, कुल ब्याज कितना है, 480 रुपया है, तो SI1 + SI2 = 480 रुपया दिया है। फिर ये कह रहा है 500 रुपये की धनराशि, यहाँ पे SI है ना, तो यहाँ पे SI = क्या होता है, P1 R1 T1 / 100 + P2 R2 T2 / 100 = 480। तो P1 की वैल्यू क्या दिया है, 500 रुपया दिया है, तो P1 के स्थान पे हम 500 लिखेंगे, into R1 दिया है 12%, कितना, 12% दिया है, और समय दिया है 4 वर्ष, कितना दिया है, 4 वर्ष, / 100 + P2, P2 कितनी दी है, P2 तो हमको निकालनी ही है, तो P2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, P2 R2 की वैल्यू दिए हैं 10%, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, into T2 4 वर्ष दिए हैं, 4 वर्ष लिखेंगे, / 100 = 4 से 2 जीरो कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 × 4 4 और 10 नहीं कैंसिल करेंगे, 4 और 10, तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, 60 का गुणा 4 में कराएंगे तो 240 आएगा, 240 + P2 × 4 /
इक्वल टू 480, तो 240 को 480 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 240 और 240 यहाँ से हटाएंगे तो जीरो का गुणा इधर कराएंगे तो 2400 आएगा। तो यहाँ पे हम एक जीरो और बढ़ाएंगे, यहाँ से 10 हटाएंगे तो 4 × 4, 4 × 6, 24। तो P2 की वैल्यू कितनी आई, 600 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 / 3/4 वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपया की कमी आ जाती है, तो पूंजी बताइए। तो इसमें पूंजी बतानी है, देखते हैं। कह रहा है 8% से 7/3/4 हो जाती है। 8% से कितना, 7/3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 31/4 लिख सकते हैं, 31/4%। तो यहाँ पे देखिए 8% है, 8 से 31/4 हो रहा है, तो कितने की कमी हो रही है, 1/4 की कमी हो रही है। कैसे हो रही है, यहाँ पे देखिए 8 − 31/4 बटे 1 करेंगे, 8 × 4 = 32, 32 में से 31 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/4, वही तो यहाँ पे लिखे हैं 1/4। तो कह रहा पूंजी बताइए, तो मान लीजिए यहाँ पे प्रतिशत है, मान लीजिए पूंजी ₹x है, कितना है ₹x है, तो ये इतने की कमी आ गई। और वो कितना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 61.5 रुपये की कमी होती है, 61.5 रुपये की कमी होती है। ये भी कमी है, ये भी कमी है, तो दोनों को हम बराबर कर दिए। यहाँ से जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 होगा, और यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे, यहाँ से पॉइंट गायब हो गया, तो 100 से 100 कैंसिल होगा। तो 4 से हम गुणा कराएंगे तो x = 0, 5 × 20, 2 हासिल, 4 × 4 = 2, 6, 6 × 4 = 24। तो ये पूंजी कितनी आई, 24,600 रुपया पूंजी आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो सी को उधार दी गई राशि बताइए। तो देखते हैं, कह रहा है ए ने बी को ए ही दे रहा है, ए ए बी को दे रहा है और सी को दे रहा है, क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है SI1 + SI2। तो बी का SI1 कितना होगा, P1 R1 T1 / 100 + सी का क्या होगा SI2, P2 R2 T2 / 100। और कुल कितना ब्याज दे रहा है, 1120 रुपया दे रहा है, तो बराबर 1120। तो P1 कितना है, 2500 रुपया है, तो यहाँ पे हम 2500 लिखेंगे, 2500 × R1, R1 दिया है 7%, तो 7 लिखेंगे, T1 की वैल्यू 4 वर्ष बाद कह रहा है तो 4 लिखेंगे, 2500 + P2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब C की धनराशि हमको बतानी है, तो P2 को हम ऐसे ही लिखेंगे × R। दर कितनी है, दर तो वही है, दर इसमें भी 7% है, तो 7 लिखेंगे × 4/100 = 1120। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 100 कॉमन लेंगे तो 100 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ से हम 100 100 मिटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 × 100 और 2 जीरो और है, 7 से गुणा कराएंगे तो ये 70,000 आ जाएगा + P2 7 × 28। इसको ऐसे ही रहने दें,
अब देखिए, अगर हम 70,000 को बराबर के इधर लेके जाएंगे, माइनस होगा, तो इसमें से हम 70,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 0 0 2 4, तो कितना आया? 42,000 आया। तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? बटे में जाएगा ना, तो यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, तो 7 × 4, 7 × 7 7 6 42, 4 × 4 4 × 4 2 6, 4 × 5 20। तो सी की धनराशि कितनी आई? 1500 रुपये आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 556 रुपया और 3.5 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। तो इसमें दर बताना है, क्या बताना है? दर। तो ये कह रहे हैं 3.5 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है, 3.5 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है। फिर 2 वर्षों में 756 रुपया, 2 वर्षों में 756 रुपया हो जाती है। तो माइनस करेंगे, 3.5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। 1.5 वर्षों का ब्याज कितना आ जाएगा? यहाँ भी हम माइनस करेंगे, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 1 और 1, 117 आ गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 117/1.5 होगा। 1 वर्ष का ब्याज 117/1.5 होगा। तो 2 वर्षों का कितना होगा? 2 से हम गुणा कराएंगे, तो 2 वर्षों का ब्याज यहाँ पे 2 से हम गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है ना, तो पॉइंट जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ेगा, तो 5 3 15, 5 4 20, 3 3 9, 2 11, 3 9 27, तो 39 का 39 का गुणा 4 में कराएंगे तो कितना आएगा? 9 4 36, 3 4 3 12, 12 3 15। तो 3 वर्षों का ब्याज कितना आया? 156 रुपया आया। तो मूलधन कितना आएगा? तो 756 में से 156 घटाएंगे तो मूलधन आएगा, तो मूलधन आ जाएगा 600 रुपया। ये मूलधन है, और हमको बताना क्या है? दर बताना है। तो SI इक्वल टू PRT/100। SI कितनी है? 156 है, 156 लिखेंगे, इक्वल टू मूलधन, मूलधन 600 आई है, तो यहाँ पे हम 600 लिखेंगे, गुणे आर तो बताना ही है, टी समय कितना रखेंगे? समय 2 वर्ष रखेंगे, 2/100, तो 2 0 से 2 0 कटेगा, और 2 1 2, 2 7 14, 2 8 16, 6 1 6, और 6 1 6, 6 3 18, आर इक्वल टू 13%। दर कितनी आई? 13%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 3 सही 1/3% की साधारण ब्याज दर से 7,000 रुपया हो जाएगा। तो देखते हैं, मूलधन, पहले तो मूलधन हम 100 रुपया मानेंगे, कितना? 100 रुपया मानेंगे। ब्याज रेशियो, ब्याज, ब्याज होता है RT रेशियो, R दिया है 3 सही 1/3%, और समय दिया है 5। 3 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/3 लिख सकते हैं ना, ये होगा 5 × 10/3 रेशियो, फिर मिश्र धन होगा, तो इसे हम 50/3 लिखेंगे, 50/3 लिखेंगे, तो 100 में 50/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 350 आएगा, 350/3 आएगा। फिर ये कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपया हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा, तो क्या दिया है? मिश्र धन दिया है,
तो मिश्रधन के नीचे 7000 लिखेंगे। और निकालना क्या है, राशि निकालनी है मूलधन, तो बटे एक्स, तो इससे तो अब कोई मतलब नहीं है, तो इसे हम मिटा सकते हैं। मिटाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू, तो ये जब 350 बटे तीन, 7000 के नीचे आएगा ना, सॉरी 7000 के पास 3 लिखेंगे, तो यहाँ से हम ये भी मिटाएंगे, बटे में लिखेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, और 7 × 7, 7 × 5 = 35, 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो ये कितना हो जाएगा, 300, 300 का गुणा 20 में कराएंगे तो कितना आएगा, 6000 आएगा, एक्स इक्वल टू 6000 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर बताइए। तो इसमें दर बतानी है, तो इसमें भी हम मूलधन कितना मानेंगे, 100 मानेंगे, मूलधन 100 मानेंगे, रेशियो ब्याज, यहाँ भी रेशियो लगाएंगे, ब्याज, ब्याज कितना है, 1/4 है, तो 1/4 वर्ष है, समय दिया है 1/4, और दर हमको निकालनी है, आर से गुणा कराएंगे। फिर ये कह रहा है स्वयं का 41/40 हो जाती है, स्वयं का 41/40 हो जाती है, तो जब भी कहेगा स्वयं का, तो ये 41 को हम मिश्रधन मानेंगे, बड़ी वाली संख्या को मिश्रधन मानेंगे और छोटी संख्या को मूलधन मानेंगे, तो मूलधन के नीचे 40 लिखेंगे, और यहाँ पे मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन के नीचे कितना लिखेंगे, 41 लिखेंगे, 41, तो 40 से 41 कितने की वृद्धि हो रही है, 1 रुपये की, तो ब्याज के नीचे हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 रेशियो, यहाँ पे हम बटे करेंगे, बटे और इक्वल टू, तो 1/4 है ना, 4 को हम नीचे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यहाँ से 4 हटाएंगे, तो 4 × 10 = 40, 0 से 0, आर इक्वल टू 10%, दर कितनी आई, 10% आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 माह के साधारण ब्याज में अंतर 129 रुपया कम है, वह धनराशि बताइए। तो इसमें धनराशि बतानी है, धनराशि, तो ये दिया है ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर कितना दिया है, 129, SI1 − SI2 इक्वल टू 129 दिया है, ये ब्याज का अंतर दिया है, SI1 P1 R1 T1 / 100 −P2 R2 T2 / 100 इक्वल टू 129 रुपया। तो P1 की वैल्यू कितनी दिया है, P1 नहीं दिया है, P1 हम x मान लेते हैं, कितना x मानते हैं, इंटू R1 दिया है 4%, 4, और T1 दिया है 8 माह, 8 लिखेंगे, बटे 100, यहाँ पे देखिए 8 माह दिया है ना, और ये कह रहा है वार्षिक ब्याज, तो माह दिया है तो हम बटे में 12 लिखेंगे ना, तो वर्ष में ये भी चेंज हो जाएगा। P2 कितना मानेंगे, P2 भी हम x मानेंगे, क्योंकि वो कह रहा है उसी धनराशि पर, x यहाँ भी माने हैं तो x यहाँ भी होगा, R की वैल्यू दिया है 5% वार्षिक, तो 5 × T की वैल्यू कितना दिया है, 15 माह दिया है, तो 15/12 × 100 इक्वल टू 129, तो यहाँ से जब हम सब कॉमन लेंगे तो बराबर के उधर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100
गुणे 12 होगा, तो यहाँ से ये हम मिटा सकते हैं। तो ये 8 चौक 32, 32x माइनस 15 बचे 75, एक्स इक्वल टू 129 गुणे 100 गुणे 12। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और ये 75 है, तो यहाँ पे ये बड़ी संख्या के आगे माइनस है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों का अंतर दिया है 129, तो यहाँ पे हम अंतर का निशान लगा सकते हैं, अंतर का और अंतर का यहाँ भी। तो अब देखिए 75 में से 32 घटाएंगे तो कितना 43, एक्स इक्वल टू 129 गुणे 100 गुणे 12। 43 है ना, तो हम इधर ले जाएंगे, बटे में होगा 43। तो यहाँ पे देखिए 3 है ना, तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 9 आ जाए, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये 3 बार जाएगा, तो 12 3 36, 3600 ये क्या आई, राशि आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने पर किसी व्यक्ति को 55.5 रुपये की वार्षिक हानि होती है, उसकी पूंजी बताइए। तो इसमें पूंजी बतानी है, तो देखते हैं, ये कह रहा है 11.5% से 11.5% से 10% हो जाती है, और ये हानि दिया है 55.5 रुपया। तो यहाँ पे देखिए कितने की कमी हो रही है बताइए, 1.5% की कमी हो रही है, तो ये भी कमी है और ये भी कमी है, तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, बराबर कर दिए, और कुल पूंजी एक्स मानेंगे, कितना एक्स मानेंगे, यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट है, एक जीरो हम और लिखेंगे, ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, और यहाँ पे दो अंक बाद पॉइंट है ना, तो बटे में हम 100 लिखेंगे, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, और 5 3 15, 5 2 10, 3 1 3, 3 1 3, 2 5, 3 3 8 24, 3 5 15, तो 1850 का गुणा 2 में कराएंगे, एक्स इक्वल टू 0, 5 2 10, 8 2 16, 1 17, 2 1 2 1 3, तो पूंजी कितनी आई 3700 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपया केवल ब्याज के रूप में उस समयावधि के लिए चुकाए, उसके द्वारा उधार ली गई राशि बताइए। तो राशि बतानी है, और इसमें ब्याज दिया है, ब्याज कितना दिया है 5400 रुपया, तो SI इक्वल टू होता है PRP/100, तो SI दिया है 5400 रुपया, तो इसके स्थान पे 5400 लिखेंगे, इक्वल टू पी तो हमको बतानी ही है, पी इंटू आर, दर कितनी है 12%, 12 गुणे समय, टी कितना दिया है 3 दिया है, बटे 100, तो 3 1 3, 3 1 3, 2 5, 3 8 24, 1800, 2 6 12, 2 5 10, 6 1 6, 6 3 18, तो गुणा कराएंगे, P इक्वल टू 5 3 15, 15000 राशि आ गई।